स्टूडेंट्स, आई एम स्नेहलता एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ स्नेहलता। मेरी मॉर्निंग हो चुकी है और मैं अभी अपने फ्रेंड के रूम में हूँ क्योंकि मैं रात में उसी के साथ सोई थी। तो मैं उठ गई हूँ और उसके रूम का लाइट ऑन कर दूँगी और उसके बाद बाहर निकलूँगी। बाहर निकलने के बाद मैं फ्रेश होकर अपने रूम में आ जाऊँगी। अपने रूम में आकर झाड़ू देकर फिर चाय बनाऊँगी और उसको भी दूँगी। तो मैं बाहर आ गई हूँ, आप लोग देख सकते हो मैं अपने रूम में एंट्री ले ली हूँ और मेरा लैपटॉप ऐसे ही रखा हुआ है और स्टडी टेबल ये सब साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं पढ़ने बैठूँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे मेरा झंडा गिरा हुआ था तो मैं इसे सही की, क्योंकि झंडा झुका नहीं रहना चाहिए, तो मैं इसे सही की हूँ। उसके बाद मैं अपना चाय बनाऊँगी। चाय मैं चढ़ा दी हूँ, आप लोग देख सकते हो मैं लेमन टी पीती हूँ, पीती नहीं थी बट अभी पी रही हूँ। तो मैं दोनों के लिए तैयार कर ली हूँ और इसे लेकर उसके रूम में जाऊँगी और उसके साथ ही बैठकर पीऊँगी। उसके बाद आने के बाद मैं अपना सेशन स्टार्ट करूँगी, भूख ऐप का सेशन। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आप लोगों को आज एक राज की बात बताने वाली हूँ। तो वीडियो में कंटिन्यू ज़रूर रहें। मेरा वोकैब सेशन स्टार्ट हो गया है और मैं वोकैब कर रही हूँ। और एक भाई ने कमेंट किया था कि दीदी आप कितने आवर में कितने वोकैब याद करते हो, कितना टाइम में कितना वोकैब याद करते हो। तो मैं आप लोग को बता देती हूँ कि मैं दो पेज करने का ट्राई करती हूँ, बट वोकैब मैं पहले कभी पढ़ती नहीं थी, इस वजह से मुझे समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। जिस वजह से मैं खुद रीड करती हूँ पहले, उसके बाद वीडियो देखती हूँ समझकर और वर्ड से रिलेट करके करती हूँ। तो मुझे जितना पॉसिबल हो सकता है मैं उतना करती हूँ। आप लोग कितना करते हो कमेंट में ज़रूर बताना। और मैं आप लोग को पिछले वीडियो में बताई थी कि मैं उसके आगे पढ़ाई की थी या नहीं, इस ब्लॉग में बताऊँगी। तो मैं आप लोग को बता देना चाहती हूँ, बाहर का व्यू आप लोग देख सकते हो, मैं पढ़ाई नहीं कर पाई थी क्योंकि बैठे बैठे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो गया था सुबह से स्टडी करते करते। और मैं 4 आवर पढ़ाने भी जाती हूँ तो वहाँ पे भी बैठी रहती हूँ, तो मेरा बैकबोन का ऑलरेडी पहले से प्रॉब्लम है। मैं हॉस्टल में भी रहती थी तो बैकबोन से परेशान रहती थी, तो इस वजह से ज़्यादा ओवरलोड नहीं कर पाती हूँ। और थोड़ा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हार्ड लग रहा था मुझे, तो मैं और मेरी फ्रेंड डिसाइड की थी कि मैं 10 बजे सो जाती हूँ और उसके बाद 2 बजे उठकर पढ़ाई करूँगी। तो 10 बजे सोने तो चली गई, लेकिन बगल में बहुत ज़्यादा साउंड बज रहा था, गाना बज रहा था, शायद बर्थडे होगा किसी का, तो नींद नहीं आया था। 11 बजे नींद आया, तो 3 बजे उठी, अलार्म लगा था तो 3 बजे उठी, बट मैं पढ़ाई नहीं कर पाई क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था बॉडी में, तो इसलिए सो गई और फिर से अपना सुबह रूटीन स्टार्ट की। तो मैं योगा कर ली हूँ, वोकैब सेशन करने के बाद थोड़ा सा ब्रेक लेने के बाद मैं योगा करती हूँ, तो योगा कर ली हूँ। योगा करने के बाद मैं अपना वीडियो एडिटिंग करूँगी क्योंकि वीडियो एडिटिंग करना भी एक लाइफ का पार्ट है। ये जो मेरा रेगुलर रूटीन चल रहा है इसमें भी एक आ जाता है क्योंकि इसमें 2 आवर लग ही जाते हैं। जब मैं अपना वोकैब सेशन कर ली थी, योगा कर ली, ये सब करने के बाद मैं अपने रूम के फ्रेंड में गई थी तो उसे फीवर लगा हुआ था, तो मैं मिल्क लाने चली गई थी और पानी लाने चली गई थी। उसके आने के बाद मैं मिल्क गर्म की हूँ और फिर वो उठी, फ्रेश हुई और भुजिया वही काटी थी और बनाई, और मैं कचौड़ी बना ली थी। तो खाना खाने के बाद फिर से मैं अपना सेशन स्टार्ट करूँगी। मैं खाना खाने के बाद आ गई हूँ अपने स्टडी टेबल पे और रीजनिंग का सेशन स्टार्ट कर दी हूँ। पहले थोड़ा सा मैं कोडिंग रिकॉर्डिंग का की पीछे वाला, बट वो मुझे लगा कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा तो इसलिए मैं इसको स्किप कर दी और मैं न्यू चैप्टर स्टार्ट की हूँ, वर्ड फॉर्मेशन का और जम्बलिंग का, डिक्शनरी का। तो ये चैप्टर मैं कम्प्लीट करूँगी आज। कम्प्लीट करने के बाद मैं अपना ट्यूशन जाऊँगी, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहें। मैं आप लोगों को एक क्वाइट सुनाना चाहती हूँ कि राह संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है, जिसने रातों से जंग जीती है सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो आप लोग किसी सिचुएशन में आप लोग डरिए मत, हार मत मानिए, घबराइए नहीं, अपना रेगुलर स्टडी करते रहिए, डीमोटिवेट मत होइए। मेरा रीजनिंग सेशन एंड हो गया था और मैं रेडी होकर अब चलूँगी अपने ट्यूशन पढ़ाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन मैं सोल्व कर ली हूँ। इसे करने के बाद मैं अपना ट्यूशन के लिए रेडी हो जाऊँगी।
आप लोग देख सकते हो मैं रेडी होकर निकल गई थी, ऑटो पे बैठ गई हूँ। इसके आने के बाद मैं ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी, इसके आने के बाद जस्ट खाना खाई हूँ। मेरी फ्रेंड खाना बना के रखी थी, उसका तबीयत थोड़ा ठीक हो गया था, तो खाना खाने के बाद थोड़ा सा रेस्ट करके मैं अपना स्टैटिक करने चली आई। आप लोग देख सकते हो स्टैटिक का बुक ये अंकित भाटी सर का है और मैं इसमें शास्त्रीय नृत्य कर रही हूँ, जो मुझे छूटा हुआ था, जो कंप्लीट नहीं कर पाई थी, तो वही मैं कर रही हूँ। और उसे करने के बाद मैं सारा रिवीजन करूँगी, तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू रहे। स्टैटिक करने के बाद मैं कैलकुलेशन करूँगी और क्यू स्क्वायर लिखूँगी तो, और उसे करने के बाद मैं सो जाऊँगी। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।